नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं 6 स्विच और 2 सॉकेट का कनेक्शन करना बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले पॉइंटों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैंने ये वायर लिए। चलिए कनेक्ट करते हैं। हमने स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया है। अब हम सॉकेट को स्विच से कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि सॉकेट के इधर वाले पॉइंट पर एल और इधर वाले पॉइंट पर एन लिखा हुआ है। हमें एल पॉइंट को स्विच के ऊपर वाले सिरे से कनेक्ट करना है। इसके लिए मैं रेड वायर लिए। ये हमने सॉकेट को कनेक्ट कर लिया है। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। इसके लिए हमने ग्रीन वायर लिया है। हमें एन पॉइंट को एन पॉइंट से जोड़ना है। हमने न्यूट्रल का कनेक्शन भी कर दिया है। अब हम सप्लाई देंगे, मेन सप्लाई के वायर जोड़ेंगे। पेस के लिए मैंने रेड वायर लिया और न्यूट्रल के लिए मैंने ग्रीन वायर लिया है। हमें एन पॉइंट पर ग्रीन वायर जोड़ना है न्यूट्रल वाला। और रेड वाला पेस का वायर हमें स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर जोड़ना है। अब हम इसे 220 एसी से सप्लाई देंगे और चेक करेंगे। क्या मैं इसे चेक करने के लिए बल्ब मॉडल लिया है। यह हमारा स्विच ऑफ है। ये देखिए, ये ऑन हो चुका है, ये ऑफ हो चुका है, ये ऑफ है, ये ऑन हो चुका है। अगर आपको इन स्विच के साथ और भी कोई कनेक्शन करना है तो मैं आपको होल्डर के साथ आपको बता देता हूँ। आपको एक वायर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर और एक वायर न्यूट्रल में जोड़ना है। एक वायर यहाँ पर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर और दूसरा वायर न्यूट्रल में। ये हमने कनेक्शन कर लिया। अब मैं आपको वापस एक बार चेक करके बता देता हूँ। हमने इसको सप्लाई दे दी है। ये देखिए, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। मैं आपको सॉकेट भी एक बार वापस चलो को चेक करके बता देता हूँ। ये देखिए, लाइट ऑन हो चुकी है, ये ऑफ हो चुकी है, ये ऑन हो चुकी है, ये ऑफ हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।